देखिए, अभी जो हमारे लिए एक अच्छी खबर आई है कि यमुनानगर के जो 20 सैंपल थे वो हमारे पहले जो पॉजिटिव मरीज़ थे उनकी सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, जो उनको जो लगभग 14 तारीख से हमारे पास ये कोविड केयर हॉस्पिटल में दाखिल थे, और 20 पॉजिटिव की जो रिपोर्ट वो इम्प्रूव होकर नेगेटिव हो गई है। तो हमारे आज ये 20 नए मरीज़ थे जो ये डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं। इस तरह से अब तक हमारे पास टोटल जो 112 मरीज़ दाखिल थे कोविड पॉजिटिव के, जिनमें कुछ हमारे ज़िला से जो पॉजिटिव निकले हुए थे या बाहर से भी जो आए हुए थे जिनकी रिपोर्ट अम्बाला या मोहाली से भी आई थी, उनमें से अब टोटल हमारे 71 मरीज़ डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, और दो जो हैं वो एक मोहाली से जो हमारे केस थे निकले थे, मोहाली में ही वो डायग्नोज हुए थे, उनमें कोमॉर्बिडिटी थी, उनकी वहीं डेथ हो गई थी। और एक मरीज़ हमारे यहाँ यमुनानगर के थे जिन्होंने मौलाना में सुसाइड कर लिया था। तो ये दो अनफॉर्चुनेट हमारी डेथ्स हैं, और इस ज़िले में इस टाइम 39 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी इंप्रूव कर गया, 64% के लगभग रिकवरी रेट हमारे ज़िले का हो चुका है, जो एक बड़ी सांत्वना की और सेटिस्फेक्शन की चीज़ है। देखिए, सबसे पहली तो महत्वपूर्ण चीज़ मैं लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जैसे एक भय का वातावरण बना हुआ है कोरोना को लेकर, एक नेगेटिविटी है, उससे थोड़ा सा हमें बाहर निकलना होगा। कोरोना रहेगा, कोरोना है, लेकिन कोरोना की मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि मरीज़ निकल रहे हैं, काफ़ी मात्रा में निकल रहे हैं, हमारे यमुनानगर में भी निकल रहे हैं, दूसरे ज़िलों में भी, प्रदेश में, दूसरे देशों में भी निकल रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में भी निकल रहे हैं, लेकिन बहुतायत में मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं। यदि हम अपने ज़िले की बात करें तो अगर हमारे 112 केस पॉजिटिव निकले हैं तो उसमें 71 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। टीम सारी में काफ़ी खुशी का माहौल था, और जो मरीज़ ठीक होकर गए हैं, कल इन्होंने एक वीडियो भी वायरल की है जो काफ़ी पॉजिटिविटी से भरा हुआ वीडियो था, जो उन्होंने खुली अपने लेवल पर ही वायरल की है, उसमें भी उन्होंने यही चीज़ दिखाई थी कि इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे बाहर आने की ज़रूरत है। तो लगातार ये जो एक नेगेटिविटी का माहौल बन रहा है, इसे हमें बाहर निकलना होगा। इन मरीजों को सिर्फ मरीजों की तरह से देखना होगा, इनको हमें समाज के नेगलेक्टेड समाज की तरफ नहीं देखना होगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी सोशल हैसियत का व्यक्ति कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को हमारे समाज की सपोर्ट चाहिए। जब ये अकेले रहते हैं, उस माहौल में अकेले रहते हैं, तो वहाँ जब इनको अपने घर वालों से बात करते हैं, अपने प्रियजन से बात करते हैं, वो तो सांत्वना मिलती है। जब आमजन इनके साथ जुड़ता है, जैसे हमारी एक स्टाफ छुट्टी होकर जब उसका घर गई, तो सारा का सारा पूरा मोहल्ला उसको रिसीव करने के लिए वहाँ खड़ा था। तो इससे बाकी मरीजों में भी एक प्रोत्साहन आता है, क्योंकि एक अब सेल्फ जो बीमारी के साथ लड़ने का जो जज्बा है, जब वो मरीज़ के अंदर आएगा तो बहुत ज़्यादा उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, उसको एक साइकोलॉजिकली बहुत एडवांटेज मिलता है। यदि यही मरीज अकेले पड़े रहेंगे, कोने में पड़े रहेंगे, नेगलेक्टेड रहेंगे, तो इनमें डिप्रेशन आ सकती है। और ऐसा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि हमारे जो एक पेशेंट मुलाना में दाखिल रहे, वो अकेले रह गए किसी वजह से, पता नहीं क्या उस टाइम सर्कमस्टांसिस रहे कि उन्होंने ठीक हो रहे थे, उनकी रिकवरी हो रही थी, लगातार हमें जो सूचना मिल रही थी उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन की डिमांड, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ रही थी, ऑक्सीजन की डिमांड घट रही थी, जो उनको बाईपैप मशीन लगा रखी थी उसकी ड्यूरेशन भी कम हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हम चाहेंगे कि हमारे मरीज जो हैं इससे उदाहरण लें कि 112 में से यदि 71 मरीज ठीक होकर निकलेंगे, तो बाकी हम क्यों, अगर हमें हो भी गया तो क्यों नहीं निकलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण वो है, जो चीज़ है वो ये है कि हमें पता है कि इससे बचा जा सकता है। इसे बचने का एकमात्र जरिया है कि हम लगातार वो प्रिकॉशंस की ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, लगातार मास्क का प्रयोग करते रहें। मास्क को रिचुअली सिर्फ सिम्बॉलिक तरीके से दिखाने के लिए नहीं पहने, मास्क से हमारा मुंह और नाक अच्छी तरह से ढका हुआ हो, ताकि एक संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना हो। जहां पब्लिक में जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। यदि हम नियम का पालन करते रहेंगे, ये ठीक है कि बहुतायत में लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन यही लोग कैरियर भी हैं, ये इस वायरस को ले जाकर उन व्यक्तियों के पास जा सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम है, कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, किसी को हार्ट की बीमारी है, कोई थैलेसीमिया हीमोफीलिया का मरीज है, किसी की कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसे व्यक्ति के पास यदि ये वायरस जाएगा तो उसके लिए घातक हो सकता है, उसके लिए ये प्राण घातक भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों तक वायरस ना लेकर जाएं, हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, हम अपने मास्क को लगातार पहनते रहें और बचाव रखें। बीमारी से डरने और बचाव में बहुत फ़र्क है, तो हमें बीमारी से बचाव करना है, बीमारी से घबराना नहीं है, डरना, क्योंकि अभी तक एक भी ऐसा केस रिपोर्टेड नहीं हुआ जो सेम स्ट्रेन से जिसको री इन्फेक्शन हुई है। बल्कि हमारा तो ये प्रयास है कि ये जो लोग हमारे ठीक होकर गए हैं, ये हमारे कार्यक्रम में जुड़ें। मेरी इनसे अपील भी है कि ये आएँ और वॉलंटियर बनें, हम इनको पीपी किट भी देंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी देंगे, और इनको इस दूसरे मरीजों की मदद करने के लिए ये वॉलंटियर बने, क्योंकि इनके पास एक लाइव एग्जांपल है कि देखो मैं इस बीमारी से लड़कर बाहर निकला हूँ, तो आप क्यों नहीं निकलोगे। तो
ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि अगर वो वॉलंटियर आना चाहेंगे हमारी तरफ से उनका स्वागत है कि वो उन लोगों की मदद के लिए आगे आएँ। हमें काफ़ी एनजीओज का सहयोग भी मिल रहा है, आज भी काफ़ी एनजीओज ने फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, बहुत सी एनजीओज हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को किसी भी तरीके से जो मदद करना चाहे उसका स्वागत है, खासतौर पर ऐसे लोगों का जो ठीक होकर गए हैं, यदि वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहें, लोगों की सेवा के लिए जुड़ना चाहें, तो उनका स्वागत है।